सरगुजा जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी सहित सभी ने देखा था। पीएम मोदी के आने के बाद 2 साल के अंदर ही रमन सिंह की सरकार चली गई, इसलिए पीएम मोदी का सपना नया छत्तीसगढ़ बनाने का काम पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस की नई सरकार बनी और भूपेश बघेल सीएम बने। उनके सीएम बनने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। अब महादेव आ गए, ऐसा लग रहा है कि महादेव ने ये तय कर लिया है कि भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए और भाजपा सरकार आनी चाहिए। अटल जी रहे हो चाहे आज मोदी जी, नया और छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक पड़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर जाता है, और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है, यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए हैं, लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों भाई। और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि कोरोना के समय से जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है वो अगले 5 साल तक मिलता रहेगा बहनों भाइयों, वो रुकेगा नहीं। तेंदूपत्ता की कीमत कितनी मिलती है यहां पर? मिलती है कुछ 400 4000 प्रति बोरा, यही है ना। हम लोगों की सरकार आ जाएगी तो हम 5100 रुपये प्रति बोरा आपको देंगे, प्रति मानक बोरा। और गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाता है। आयुष्मान भारत योजना यहां चल रही है कि नहीं? आपका मुफ्त इलाज हो रहा है कि नहीं? आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है। बहनों भाइयों, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, जो गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे कुछ भी न हो उनके पास, 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा एक साल में। यदि 5 लाख में उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो अगले साल भी उनका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना सारे देश भर में चल रही है। मुझे जानकारी यह मिली कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा यहां पर हुई थी, प्रदेश सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं, पीएससी उसे कहते हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। लोगों ने अपने बेटे बेटी नाती पोते इन लोगों को नौकरी दिला दी है। मैं बतलाकर जाना चाहता हूं ये जो घोटाला हुआ, इन घोटाले की भी हम लोग जांच कराएंगे मेरे बहनों भाई, जांच कराएंगे।